नहीं चल रहा, तुम्हारी सारी दुआएं ऐसे रुक जाती, ऐसे दीवार आ जाती सब। इफ डोंट बिहेव प्रॉपरली विद योर मदर, इफ यू रेज योर वॉइस, रेज योर वॉइस। हुक्म क्या है? अल्लाह ने हुक्म क्या दिया कि मुसलमानों अपनी आवाज को अपने रसूल के सामने रेज मत करो। वो जाहिल थे अरब जो सरकार की आवाज के सामने बड़ी आवाज से बात करते थे। कुरान में आ गया कि भाई मुसलमानों केयरफुल, डोंट रेज योर वॉइस। जो हुक्म प्लीज, जो हुक्म अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह दे रहा, वही हुक्म मां बाप के लिए औलाद को दे रहा कि तुम्हारी आवाज कहीं रेज तो नहीं हो रही तुम्हारी मां के सामने। अल्लाहुम्मा फिली रब्बे फिली वले वालिदैया वलिल मोमिनीन यौमा यकूमुल हिसाब। क्या है? प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलो, आई बेग यू, आई बेग यू। अगर आज की मेरी ये तीसरी मजलिस सबा इमाम बारगाह की, उससे कोई एक लड़का या लड़की भी अब अगर बोल रहा इफ मिसबिहेव करती है, और आज की मेरी मजलिस के बाद अगर वो सही हो गए तो मेरी आज की सभा की मजलिस कामयाब होगी। तुम क्या समझ रहे हो यार मां को? तुम नमाज पढ़ो, बोले आई एम फाइन, मैं तो नमाज पढ़ रहा, मैं तो रोजे रख रहा, मैं तो मजलिस कर रहा, मैं तो सभा जा रहा, और तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी मां के साथ, तुम्हारे डैड के साथ अच्छा नहीं है, तो व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक कि तुम्हारी मजलिस कबूल होगी, तुम्हारी नमाज कबूल होगी? मैं एक ही बात बोलता, किसी के प्रेशर में मत आओ। एवरी डे जस्ट गो एंड से सॉरी टू योर मॉम।